आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज का जो लेक्चर है वो इससे पहले हमारा लेक्चर था पीरियोडिक टेबल, है ना। फिर से मौका मिले जो चीज़ें छूटी हैं उसमें कवर कराया जाएगा। और आज शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, आप ये जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे होती है ना। तो बैलेंसी इसमें आप पढ़ेंगे, बैलेंसी क्या होती है ना, कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग ना, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ना, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। और ये बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें आप संकरण निकालना सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, है ना। और मैं ट्रिकी अप्रोच जो बताऊँगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कैसे आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे आप, एमओ थ्योरी, है ना, जिसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो पहली बात तो जानिए कि बैलेंसी क्या होती है, संयोजकता, है ना। बैलेंसी, व्हाट इज बैलेंसी, बताओ बेटा बैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको। हाँ, तत्वों के जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, हाँ, अंतिम कोष को कौन सा कोष कहते हैं, वैलेंस सेल, संयोजी कोष ना। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या क्या करते हैं, वो संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे अगर क्लोरीन के अगर हम कहते हैं, क्लोरीन के तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या क्लोरीन की संयोजकता 7 है, वो तो पहली बात तो आपको एकदम क्लियर बता दूं कि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में अंतर होता है ना। तो जो संयोजकता होती है, पहली बात जो डिफिनेशन पहले दिया गया था, कंबाइनिंग पावर, है ना, कंबाइनिंग पावर ऑफ द एटम विद एन अदर एटम is called as balancing। क्या कहलाते हैं, किसी तत्व की दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, संयोजकता। अब कैसे जुड़ेगा, है ना, यानी एक पर जो दूसरे, जैसे सपोज दैट H है और Cl के साथ ये जुड़ रहा है सिंगल बॉन्ड से, इसकी जो कैपेसिटी है, पहले ये बैलेंसिया शब्द से निकला था, बैलेंसी, बैलेंसिया का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ द एटम, ठीक है ना, कि परमाणु की संयोग जुड़ने की आपस में जो क्षमता होती है उसको हम बैलेंसी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे फ्रैंक लैंड, क्या नाम था उनका, फ्रैंक लैंड ने हाइड्रोजन एटम को बेस माना, कहा कि जो कोई भी तत्व जितने हाइड्रोजन को जोड़ने की कैपेसिटी रखता है, किसकी कैपेसिटी रखता है, हाइड्रोजन को जोड़ने की, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है, है ना। तो अब देखिए, जैसे कार्बन, ये देखिए मेथेन बनता है, कार्बन की बैलेंसी यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, तो कार्बन की यहाँ बैलेंसी क्या हो गई, बैलेंसी 4 हो गई। अच्छा, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन जोड़ने की कैपेसिटी है, नाइट्रोजन की बैलेंसी इक्वल टू क्या हो गई, 3 हो गई। ऑक्सीजन में डबल हाइड्रोजन को जोड़ने की कैपेसिटी है, ये लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो लेकिन बाद में जब इन्होंने तो केवल हाइड्रोजन को बेस मान के कह दिया फ्रैंक लैंड साहब ने, बाद में इनकी डेफिनेशन फेल हो गई, है ना। जैसे अगर हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अब बताइए यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, है ना, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या कार्बन बैलेंसी अब 2 मान ले, नहीं, क्यों, कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, 4, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, है ना। तो यहीं पर फ्रैंक लैंड साहब की डेफिनेशन हाइड्रोजन को जो बेस मान के चले थे वो क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। इसके बाद फ्रैंक लैंड, इसके बाद आया संयोजकता का अष्टक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत आया, ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंसी, है ना, ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंसी कहती है कि हर परमाणु चाहता है कि उसके वाहतम कक्षा में
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इनर्ट गैस लाइन संरचना उसकी हो जाए, है ना। जैसे अब आपको पता है इनर्ट गैस कौन सी, पहली इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम, दूसरा कौन सी है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन एंड रेडॉन, है ना। तो हर जो नियरेस्ट जो एटम पड़ता है जिस अक्रिय गैस के, उसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है ना। जैसे हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के बाहरी कक्षा में दो होता है। अब पहला ही कोष उसका लास्ट कोष है और पहले में दो बोरबरी के नियम के अनुसार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, है ना। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम जैसा बदल जाए, है ना। तो छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, टू और वन। अब आप बताइए लिथियम क्या नियॉन जैसा बदलना चाहेगा कि हीलियम जैसा बदलना चाहेगा, हीलियम जैसा। फिर क्या करेगा, अब यही से कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या करेगा, ये एक लूज करके स्टेबल होगा या सात गेन करके स्टेबल होगा, एक लूज करेगा ना, आसान क्या है, एक दे देना ना। और इसीलिए चार्ज भी आता है, जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उतना ही उस पर क्या चार्ज आता है। आप देखिए देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, क्यों, इसका मतलब लिथियम शरीर के जो एटम है वो क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, है ना। तो देखिए इसका मतलब बैलेंसी ऑपरेटरियम कहा गया कि छोटे एटम यही हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम को छोड़ दीजिए, कौन कौन से, लिथियम बेरिलियम 2-2 होता है, बोरान 2-3 होता है, कार्बन 2-4 होता है। यहीं से इतने एटम, अब यहाँ तक देखिए बेरिलियम बोरान तक ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम जैसा बदल जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब कार्बन में बिल्कुल इंटरमीडिएट स्टेज है, या ये चार बेके स्थाई हो जाए या चार लेके, लेकिन जब बात बराबरी की आती है तो लेना पसंद करता है, देना नहीं पसंद करता, है ना। तो कार्बन में मोस्टली क्या होता है, कार्बन दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, अगर चार दे दिया तो कार्बन 4+ में एग्जिस्ट किया, राइट, चार ले लिया कार्बन 4- में एग्जिस्ट किया ना। इसके बाद के एटम इसको हीलियम को छोड़ दीजिए, हर इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं लिख रहे हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 होता है 2, 8, 8, 18, क्रिप्टन 36, 2, 8, 18, 8, इस तरह से इनमें भी इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर परमाणु चाहता है कि हमारी भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के हम स्टेबल हो जाए, है ना। और इसीलिए और अष्टक नियम का पालन करने लगे, इसी सिद्धांत को हर एटम चाहता है कि हम अक्रिय गैस जैसी संरचना केवल हीलियम को छोड़ करके बाकी अक्रिय गैसों के वाहक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे कोष में हो जाए और मैं हो जाऊं बिल्कुल अस्थाई, जस्ट लाइक इनर्ट गैस, है ना। और अच्छा बताइए, अब यहीं से देखिए बॉन्डिंग का जन्म होता है, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। कि सहजता के अष्टक सिद्धांत को पालन करने के लिए अब एटम क्या करेगा कि हर मॉलिक्यूल या प्रकृति हर चीज स्टेबल होना चाहती है, है ना। कुछ लोग हीलियम जैसा छोटे एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके उसके जैसा बदल जाना चाहेंगे, और कुछ अक्रिय गैस या अगली नियॉन जैसा, आर्गन जैसा एंड सो ऑन, ना 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अस्थाई होना चाहेंगे। तो उसी के लिए कुछ एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लॉस करते हैं ना, और कुछ क्या करते हैं, गेन करते हैं, राइट ना, गेन करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन, क्या करते हैं। जैसे आप सोचिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए हाइड्रोजन चाहेगा हम हीलियम जैसा बदल जाए, क्लोरीन चाहेगा हम आर्गन जैसा बदल जाए, है ना, 17 है उसके नजदीक, 18 के नजदीक है, क्या करेगा, दोनों को जरूरत है। तो यहाँ पर होगा पार्टिसिपेशन, क्या होगा बताइए, लाओ तुम, मैं तुमको दे देता हूँ, तुम्हारा मैं ले लेता हूँ, दोनों का काम चल जाए, है ना। तो इस तरह साझेदारी से बॉन्ड बनता है ना। अब यही से बॉन्ड, अच्छा हम कहते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ये रासायनिक बंधन है क्या, इसका मतलब है ये है इलेक्ट्रॉनों की आइदर पार्टिसिपेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों का देना, आपस में साझेदारी करना, इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसी को हम रासायनिक क्या कहते हैं, बंध कहते हैं, है ना। यानी ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने के लिए जो परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है या आपस में क्या करता है, साझेदारी, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। अब बताइए बैलेंसी की परिभाषा क्या हुआ, कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी से या देने से या लेने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल क्रिएट होता है, आपस में एटम बंधते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बैलेंसी, है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा, बैलेंसी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक से चार तक बढ़ती है, फिर चार से घटकर एट माइनस यन रूल फॉलो हो जाता है। यन जहां क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे आप सोचिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये देखिए आप यहाँ 2-1 बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी एक हो गई, 2-2 बैलेंसी दो हो गई, 2-3 बैलेंसी तीन हो गई, 2-4 कार्बन बैलेंसी चार हो गई। अब यहीं से बैलेंसी 8 माइनस एन के बराबर हो जाती है, यानी एन जहाँ आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 8 माइनस 5, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई, 3, राइट। असल में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन जब गैस बनती है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन टू इस तरह बनता है ना, 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो नाइट्रोजन बैलेंसी 3। आप सीन की बताइए 2-6 होती है, 8 माइनस 6 दो बैलेंसी, फ्लोरीन की क्या हो गई, 8 माइनस 7 बराबर 1 बैलेंसी, देख रहे हैं ना, बैलेंसी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक से चार तक बढ़ती है और चार से घटकर शून्य हो जाते हैं, शून्य माने अक्रिय गैसों की कोई बैलेंसी नहीं होती, यानी कोई क्रिया नहीं होती, तो 8 होता है इसका, 8-8 बराबर 0, इसीलिए इनको शून्य वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, शून्य वर्ग में, राइट ना। तो यानी बैलेंसी आवर्त में, और वो अलग बात है कि और जो बड़े एटम है बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दे सो वेरिएबल बैलेंसी, है ना। जैसे आयरन, आयरन फेरिक क्लोराइड भी बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड बनाता है। अब बताइए यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच है, यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है, इसकी यहाँ बैलेंसी 3 है और इसकी बैलेंसी 2 है, इसका मतलब डीप लॉक एलिमेंट वेरिएबल बैलेंसी भी शो करते हैं, और उसका रीजन होता है उनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 1s2s2 वाला, तो देखोगे कि इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, इनकम्प्लीट, और उनका इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में आप जम करा सकते हैं, जिससे उनकी बैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है। अब एक बात और बता दूं, बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या अंतर है, बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्या होती है बताइए, किसी तत्व की बैलेंसी कभी भी शून्य नहीं होती, केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर, ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होती है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये फ्रैक्शनल भी होती है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालना सीखे तो थोड़ा समय वहां पर बता दूं आपको, बैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर आइदर ये जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, बट बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक हाँ लिख लीजिए, बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव बट ऑक्सीडेशन नंबर इज आइदर फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, etc. देखिए अब मैं आपको बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में एकदम क्लियर डिफरेंस इस एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। ये चार कंपाउंड देख रहे हैं आप, मेथेन और CH3Cl, मेथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म ना, या आईपीसीएम क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन, है ना, और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम है
है ना, आईपीसी नेम क्या है, 1111 टेट्राक्लोरोमेथेन, आईपीसी में इस तरह बुलाते हैं इसको। अब यहाँ देखिए आप, जो अच्छा इसमें सब में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, सब में देखिए चार बॉन्ड बनाए, जितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाने कैपेसिटी रखता है वही उसकी बैलेंसी है। अब आप कार्बन की बैलेंसी, इन सभी में आपको क्या दिखाई दे रही है, कार्बन ने फोर बॉन्ड बनाए हैं, सबकी वैलेंसी वैलेंसी फोर है ना, लेकिन बट ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ एटम कैसा है ना, और वो उसके कंपेयर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अब आप जानते हैं कि कार्बन, आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया है, कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट है इस साइड में है ना, और आप जानते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है बाहर जाने पर। इसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन के कंपेयर में ज्यादा पॉजिटिव है, क्या है बताइए, ज्यादा पॉजिटिव ना। अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आता है, प्लस वन, क्या चार्ज आता है, जैसे सीएल है प्लस वन ना, सीएल माइनस, एक हाइड्रोजन तो एक प्लस, अगर हम चारों हाइड्रोजन पे इसके पॉजिटिव चार्ज रख दें, वन प्लस वन प्लस वन प्लस, फोर प्लस हो गया। और जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है चार्ज, क्यों, मेथेन अभी लग रहा था ना, तुम्हें सी एस फोर प्लस माइनस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जब इस पर कार्बन पे हाइड्रोजन पे चार प्लस है, यहाँ कार्बन पे कितना माइनस आएगी, न्यूट्रल कर दे, फोर माइनस, देख रहे हैं यहाँ कार्बन फोर माइनस है, यहाँ देखिए कार्बन पे कितना चार्ज है, ध्यान देखिएगा, अब क्लोरीन निगेटिव है, माइनस वन चार्ज होता है, तीन प्लस है, वन माइनस है, यहाँ कार्बन पे कितना माइनस और आ जाए, प्लस को न्यूट्रल कर दे, दो माइनस आ जाए, अरे भाई दो माइनस एक माइनस एक, तीन माइनस तीन प्लस को कैंसिल कर दे, राइट। अच्छा यहाँ पर देखिए आप, दो प्लस है दो माइनस है, तो यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, डाइक्लोरोमेथेन में जीरो, राइट। यहाँ देखिए आप, प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ कार्बन पे कितना कितना चार्ज आ जाए, प्लस टू आ जाए, तीन प्लस तीन माइनस, क्यों, अरे भाई एक ही प्लस था, अब यहाँ इसके कंपेयर तीन नेगेटिव लग गए तो कार्बन को प्लस होना पड़ेगा, टू प्लस थ्री माइनस कैंसिल। और यहाँ जरा देखिएगा कार्बन पे क्या हो गया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और यहाँ कार्बन को हो गया फोर प्लस, देख रहे हैं, चार माइनस दो प्लस कैसे ना। अब आप देख रहे हो बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव है, फिक्स है, चार है बैलेंसी सब में, लेकिन जरा ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसमें माइनस चार, इसमें माइनस दो, जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, देख रहे ना, यानी जो ऑक्सी, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, क्या कहा जाता है इसको, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व से जुड़े दूसरे तत्व के आधार पर डिसाइड की जाती है ना, कि उसके कंपेयर में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर जीरो है। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन बैलेंसी कभी भी शून्य नहीं होती, कम से कम एक बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, बताइए हाइड्रोजन जैसे बनता है एक बॉन्ड तो बनाता है ना कम से कम, ये इसकी क्या हो गई, बैलेंसी हो गई है ना, तो हाँ बना लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी में कोई अंतर पूछे तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी में अंतर, ऑक्सीडेशन नंबर काल्पनिक चार्ज होता है जो डिपेंड करता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ एटम पे कैसा चार्ज है ना, और जबकि बैलेंसी क्या होती है, जितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है थ्री डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, बताइए अब इसे नंबर आप एटम पे डिसाइड नहीं करते, कितने बॉन्ड बने हैं, फोर बॉन्ड, कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, फोर हो गई ना, अब जितने बॉन्ड बनाता है वो बैलेंसी होती है ना।
अच्छा ठीक है, देखो सी सी एल फोर है ना, देखो ये क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, तीन क्लोरीन थे ना इतना। अच्छा मतलब कार्बन के कंपेयर में क्लोरीन पे क्या ज्यादा माइनस है ना, इधर है देखो क्लोरीन के नीचे क्लोरीन में कार्बन वहाँ, इसका मतलब ज्यादा विद्युतीय है, कार्बन पर एक माइनस, सीएल पर एक माइनस होता है जानते हो आप। अच्छा बताओ तीन तो हो गए माइनस, एक हो गया प्लस, बताओ प्लस माइनस बराबर है क्या, नहीं है ना। अच्छा बताओ तीन माइनस को न्यूट्रल करने के लिए तीन प्लस चाहिए था, तभी तो थ्री प्लस थ्री माइनस न्यूट्रल, तो कार्बन में कितना प्लस आ जाएगी न्यूट्रल कर दे, टू प्लस कार्बन का एक प्लस इसका, तीन प्लस तीन माइनस का, राइट ना। यहाँ कार्बन की ऑप्शन, अच्छा ये क्या है, क्या कार्बन की आप बैलेंसी है, नहीं, क्या ये ऑक्सीकरण संख्या, क्लियर है ना, ऑक्सीकरण संख्या बैलेंसिंग क्या अंतर है, ऑक्सीकरण संख्या जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जबकि बैलेंसी कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होती, जीरो होती है केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर, वो भी सारी अक्रिय गैसें नहीं, आपको पता है जीनान कंपाउंड भी बनाता है, XEF2, XEF4, XEF6, तो सारी अक्रिय गैसों की बैलेंसी जीरो हो ये जरूरी। अच्छा बताओ यहाँ पर दो बॉन्ड बनाया ना फ्लोरीन जीनान ने, इसकी बैलेंसी यहाँ पर दो हो गई ना, है ना, तो इसका मतलब है कि बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होती है ना, जबकि ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी होती है। जैसे देखो कुछ में मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत पूछा जाता है इनकी बैलेंसी, कुछ कंपाउंड में बैलेंसी, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर वाले में निकलवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे सपोज दैट AXBY टाइप का कोई कंपाउंड है, इसकी बैलेंस निकालना है, यहाँ जो एटम है यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस वाई इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, और इनका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होना चाहिए। जैसे देखो अगर यहाँ कंपाउंड हो N2O5 में कह दे N की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, जिसकी निकालना हो तो उसकी एक्स मान ले, हम हमको पता ही नहीं है उसकी, तो निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो जैसे एक्स मल्टीप्लाई 2 इंटू सपोज दैट नाइट्रोजन की क्या है एक्स है, प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज आपको पता है माइनस 2 होता है, राइट ना, माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप देखो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 10, x इक्वल टू 10 बाई 2 प्लस 5, आ गया ना, यही नाइट्रोजन के चार्ज है ना, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है ना। अब जैसे देखिए एक कंपाउंड बहुत ये मेडिकल पूछा गया N3H, इसे कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइड्राजोइक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर का, तो अब बताओ इसी के हम x मान लें 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 किसका, हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन प्लस 1 चार्ज है ना। अच्छा देखिए तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाई, देखा हाइड्रोजन पे फ्रैक्शनल भी आया निगेटिव भी आया, हाँ यहाँ नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन बैलेंसी नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंसी तो तीन होती है, ध्यान देना, ये जो आ रहा है इसके आधार पर टाइप की डिसाइड हो रहा है ना, हाँ तो कितना चार्ज आ रहा है, माइनस 1/3 है ना। अच्छा और देखो नाइट्रेट और नेगेटिव क्वेटिव मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ऑक्सीडेशन नंबर अभी यहाँ केमिकल बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे देखो नाइट्रेट माइनस में और एक अमोनियम प्लस ले लिया, इन दोनों में नाइट्रोजन कैसे बोर्ड लाइन से लिखा रहता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल, ठीक है ना। जब चार्ज सीज हो तो जहां इक्वल टू अलजेब्रिक सम जीरो कर रहे थे
वहां पे उसका चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस वन, यहाँ प्लस वन, जितना चार्ज होगा उसके बराबर, ठीक है। अब माना इसकी क्या है बताओ, एक्स है, क्यों प्लस थ्री इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है माइनस टू चार्ज, इक्वल टू अब क्या लिखे जरा बताओ, माइनस वन, नेगेटिव हुआ तो माइनस वन, जितना भी नेगेटिव आया उतना चार्ज लगता है, देखो बराबर माइनस वन, ये क्या आया, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस सिक्स, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस को कैंसिल करेगा, प्लस फाइव आया कि नहीं आया, ध्यान देना, एक माइनस एक प्लस को कैंसिल, अरे भाई यानी प्लस छः है एक माइनस छः में से घटा दो फाइव, सिंपल बात ना, प्लस फाइव आया। अच्छा अब यहाँ देखो नाइट्रोजन की कैसे अलग अलग कंपाउंड देखो बदल रही है, बैलेंसी तो तीन ही होती है नाइट्रोजन की, है ना। अच्छा बताओ यहाँ निकालो क्या करोगे, एक्स प्लस फोर इंटू हाइड्रोजन का क्या प्लस वन, जानते हो इक्वल टू प्लस वन, राइट ना, तो बताओ एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, एक्स इक्वल टू प्लस वन माइनस फोर, अब बताओ क्या आएगा, हाँ माइनस थ्री, देख रहे हो नाइट्रोजन की वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल बैलेंसी जो डी उसके डी ऑर्बिटल कारण होती है, लेकिन इनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रही ना, किसी प्लस फाइव आ रहा है, किसी माइनस थ्री आ रहा है, किसी माइनस वन बाई थ्री आ रहा है, जो आगे लगा, हाँ बिल्कुल, और क्या, जैसे देखो एच टू एच फोर हाइड्राजीन है, इसको क्या कहते हैं हाइड्राजीन, तुम निकाल के दिखाओ बेटा, एन टू एच फोर में फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एन टू एच फोर नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है नाइट्रोजन की, हाँ नाइट्रोजन निकालना है, कितना आया प्लस फोर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो करो इधर इधर जाएगा तो ठीक। अब जैसे देखो के टू सी आर टू ओ सेवन में क्रोमियम की निकालना है ना, एच एन ओ थ्री में नाइट्रोजन की निकालना है, ठीक है, और हम देने एम एन ओ फोर माइनस में एम एन की निकालना है, निकाल कर दिखाओ, मैग्नीज इसमें नाइट्रोजन की, इसमें क्रोमियम की, दो इंटू पोटेशियम पे चार्ज जानते हो ना, पोटेशियम पे चार्ज नहीं, पोटेशियम पे प्लस वन होता है, दो गुणे प्लस वन हो जाएगा ना, क्रोमियम का, और ये चार्ज मालूम होने चाहिए आपको, क्या आया 2 प्लस 2 इज प्लस 7 इनटू माइनस 2 हाँ इक्वल टू 0 निकालो, प्लस 2 एक्स माइनस 14 प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस 2 एक्स प्लस 14 माइनस 2 हाँ प्लस 12 हाँ क्या प्लस और माइनस दोनों अगर माइनस आया तो इंडिकेट करना पड़ेगा है ना, देखा प्लस सिक्स आया ना, और इसमें क्या हुआ प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो ना, अब निकालना सीख गए, प्लस वन प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स माइनस वन बराबर प्लस फाइव है ना। अब देखो जितने पराक्साइड बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा दो कंपाउंड पूछे गए हैं, मार्शल एसिड और कैरो एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर
H2SO5 H2S2O8, इसे कहते हैं मेडिकल में बहुत पूछा गया है मार्शल एसिड, और इसे कहते हैं कैरो एसिड। जब किसी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही ग्रुप नंबर होता है, इससे ज़्यादा आने लगे तो जान जाइए उस यौगिक में परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? परऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? HOOH। ये देखिए, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट बॉन्डेड होता है दैट बॉन्ड इज नोन एज परऑक्साइड बॉन्ड। यानी हमेशा ऑक्सीजन में माइनस टू चार्ज ही नहीं होता, जब परऑक्साइड बनाता है तो वहाँ माइनस वन हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, ऑलरेडी सोचिए आप प्लस वन तो दोनों ऑक्सीजन तो क्या है कि न्यूट्रल कर दे, माइनस वन ना, तभी तो टू प्लस टू माइनस को कैंसिल करेगा। इसका मतलब परऑक्साइडों में क्या चार्ज होता है? माइनस वन। क्या चार्ज होता है? हाँ, एक होते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन से देखिए KO2 ये बहुत कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं इन पर चार्ज। जितने एक्सेप्शनल कंपाउंड है बहुत पूछा जाता है मेडिकल में, जैसे अगर कह दें इसके ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है। अच्छा बताइए, आपको पता है पोटेशियम में प्लस वन होता है एल्कली मेटल का, प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, टू इंटू एक्स मान लिए, इसी के निकालना है आपको, प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू इधर जाएगा माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ रहा है देख रहे हो? अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग, ज़्यादा सबसे ज़्यादा चार्ज आता है माइनस टू, ऑक्साइड स्टेट में होता है। जब परऑक्साइड बनाता है तो माइनस वन, जब सुपर ऑक्साइड बनाता है तो माइनस वन बाई टू चार्ज आता है ना। और एक कंपाउंड, एक दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके ऑक्सीजन पे प्लस वन प्लस टू चार्ज भी आता है, जैसे बहुत सभी कुछ F2O, O2F2, ये दो कंपाउंड बनते हैं और इनके ऑक्सीजन पे जब चार्ज की बात आती है तो आपको पता है कि फ्लोरीन पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, पता है ना। अब फ्लोरीन में कितना चार्ज होता है? माइनस वन। अच्छा बताइए, इन दोनों फ्लोरीन की वजह से क्या चार्ज आएगा? तो ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए? देखा, इमेजिन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे ज़्यादा तो अरे भाई ऑक्सीजन तो बाहरी कक्षा में 6 होता है, ठीक है, 8 होता है परमाणु क्रमांक 6, दो इलेक्ट्रॉन लेके अस्थाई होना चाहेगा तो ऑक्सीजन पे रियल चार्ज क्या होना चाहिए? माइनस टू, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा यौगिक किस फॉर्म के, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाएंगे? माइनस टू में। लेकिन जब परऑक्साइड बनेगा तो माइनस वन, जब सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा माइनस टू, और जब दो ऐसे ऑक्साइड हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है जब वो फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं ना प्लस टू माइनस वन भी। अब यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा बताइए? दो माइनस, दोनों ऑक्सीजन पे दो प्लस, एक ऑक्सीजन पे वन प्लस, है ना। तो ये सब कंपाउंड ऐसे हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर लेके बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आप ऐसे निकालोगे दो गुणे हाइड्रोजन का प्लस वन प्लस सल्फर का एक्स प्लस फाइव इंटू माइनस टू बराबर जीरो, ऐसे करते इसका निकालते कॉन्सेप्ट से। तो बताइए प्लस टू बहुत एग्जाम्पल पूछे गए, माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू इधर जाएगा प्लस टेन, इधर जाएगा माइनस टू बराबर प्लस एट आ रहा है। तो क्या सल्फर पर कभी प्लस एट चार्ज आ सकता है? सल्फर के बाहरी कक्षा में दो आठ छः, बताइए छः ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी मिनिमम चार्ज आ सकता है माइनस टू, राइट, दो इलेक्ट्रॉन लेकर स्थाई होगा। और ज़्यादा और क्या, अगर एक छः त्याग दे तो सल्फर पे मैक्सिमम क्या आ सकता है? प्लस सिक्स ना, यहाँ क्या आ रहा है? प्लस, इसका मतलब ये गलत है, है ना। जब भी किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर उससे ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण संख्या आने लगे तो जान जाइए वह सही नहीं है, है ना। और उसका फिर उसमें जान लीजिए कि निश्चित ही कोई बॉन्ड परऑक्साइड होगा, और फिर उसके आधार पर स्ट्रक्चर बना के निकाला जाता है। अब देखिए जरा इसका कैरो एसिड का, अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा H2SO4,
लेकिन यहाँ देखिए H2SO5 है, इसे कहते हैं कैरो एसिड, कॉमन नेम है ना। अब देखिए इसका कैसा H2S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O H पांच हो गए, पांच ऑक्सीजन है। सल्फर मैक्सिम कितने बॉन्ड बनाया है, छह बॉन्ड, दो दो चार पाँच छः बॉन्ड, छः बॉन्ड ही बना सकता है तो बारीक अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ देखिए परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसके शक्ति परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, ये है परऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा जहाँ परऑक्साइड में इन्वॉल्व हो गया ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस वन, क्या चार्ज आएगा। अच्छा देखिए आप माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यानी तीन ऑक्सीजन ऑक्साइड प्रकृति के हैं और दो ऑक्सीजन क्या है परऑक्साइड नेचर का, है ना। अब इस तरह चार निकालेंगे घटा कर उसकी छः लेंगे। देखिए अच्छा दो हाइड्रोजन का ये कर दिया हमने प्लस वन ना, माना सल्फर की क्या माना है आपने, इसी का आपको निकालना था ना, प्लस तीन गुणे ऑक्साइड प्रकार के ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, आप ये तीन देखिए एक दो तीन, इन पर क्या चार्ज है बताओ, माइनस के, प्लस दो गुणे परऑक्साइड प्रकार के ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इक्वल टू जीरो। आप निकालो तब सही रिजल्ट आएगा, है ना। यानी ये रिजल्ट क्या है, गलत है बताओ, प्लस टू प्लस एक्स, आप ये देखिए तीन दो छः माइनस छः माइनस दो इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू दोनों इधर गए प्लस एट, ये इधर गया माइनस टू प्लस सिक्स चार्ज आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। देखो मास ऑफ एसिड का H2SO8 अगर ऐसे निकालोगे, ऐसे डायरेक्ट निकालना मैं बता रहा हूँ, देखो दो अठे माइनस सोलह, दो हाइड्रोजन का प्लस टू, यानी दोनों सल्फर पे आना कितना चाहिए प्लस चौदह, तभी तो चौदह तो सोलह प्लस सोलह माइनस सोलह कैंसिल होगा, दोनों सल्फर पे प्लस चौदह एक सल्फर पे प्लस सेवन, अगर उस तरह फार्मूला से निकालोगे तो। अच्छा बताइए क्या सल्फर पे प्लस सेवन चार्ज सही है, गलत है ना। कैसे निकालते हैं, दो गुणे हाइड्रोजन का प्लस वन प्लस दो गुणे एक्स प्लस एक गुणे माइनस टू बराबर जीरो, ऐसे करते हैं आप ना, क्या होता प्लस टू एक्स माइनस सोलह बराबर जीरो, टू एक्स इक्वल टू प्लस सोलह माइनस टू प्लस चौदह एक्स इक्वल टू प्लस चौदह बटे दो बराबर प्लस सेवन, जो कि रॉन्ग है, सल्फर पे प्लस सेवन चार्ज नहीं आ, क्यों, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, छः। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में भी निश्चित है कौन सा बॉन्ड होगा परऑक्साइड ना। अच्छा मैं स्ट्रक्चर अब बना दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनवाना भी बताएंगे, अब मैं इसको जरा निकाल कर दिखाइए आप, यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जरा बताओ परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, मिड में है ना, तीन तीन छः दो आठ, इसको कहते हैं मार्शल एसिड, कौन सा एसिड कहते हैं, जरा इसको निकाल के दिखा सकते हो आप, कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड टाइप के हैं, ऑक्साइड टाइप के कितने ऑक्सीजन हैं, छह हैं ऑक्साइड, दो दो है बस निकल गया। अब दो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, प्लस टू हो गया,
प्लस दो सल्फर है तो 2x हो गया, प्लस 6 × -2, 6 × -2 समझ में आया, 3 × 3 = 6, प्लस 2 × -1 इक्वल टू 0 है ना, हम निकाल के देख लो, प्लस 2 प्लस 2x −12 − 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 14 −2 इक्वल टू प्लस 12, x इक्वल टू प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस 6, आ गया ना प्लस 6 का, हाँ बेटा, हाँ तो सल्फर का जब भी ज़्यादा पढ़ने लगे तो घट करके प्लस 6 में ही आएगी, ठीक है। तो 6 से ज्यादा इसकी नहीं होनी, जो पीरियडिक टेबल उसका ग्रुप है, देखिए वो क्रोमियम सामने है, 6 ग्रुप ये ग्रुप में है, तो क्रोमियम की बैलेंसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट से क्या क्या रहा है, x प्लस 5 × −2 = 0, तो x बराबर प्लस 10 आ जाएगा जो कि रॉन्ग है ना, निश्चित है कि इस कंपाउंड में भी कौन सा बॉन्ड होगा, परऑक्साइड कैसा बॉन्ड होगा, अब कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, और इसको बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, तितली जैसे संरचना इसकी बनती है, बटरफ्लाई इसको ब्लू पर क्रोमेट इसे लिख लेना, सब ऑप्शन ये सब मेडिकल में आए हैं क्वेश्चन, ब्लू पर क्रोमेट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, सेंट्रल एटम क्रोमियम है और क्रोमियम 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, ये देखो तितली की पंख की तरह बना बटरफ्लाई, कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है परऑक्साइड बॉन्ड में, अरे ओ 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए इस स्ट्रक्चर में परऑक्साइड बॉन्ड में, अब निकाल के हम हमको दिखाओ कितना आएगा, कितना आया, अरे वही तो निकालना है यार, क्रोमियम की निकालना है, यस मानो प्लस 4 × −1 प्लस 1 × −2 है ना, 4 × −1 = 4 −2 होता है, प्लस का 2 कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन में क्या चार्ज होता है, −4 − 2, हाँ −4 − 2 हो जाएगा, उधर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, क्या हो गया, x प्लस 1 × −2 प्लस 4 × −1 = 0, x −2 − 4 = 0,
एस इक्वल टू प्लस सिक्स, क्या चार्ज आएगा? प्लस सिक्स आएगा, है ना। ऐसे ही एक ब्रिज कंपाउंड बनता है, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम सुने हो? बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं, वो बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3S6 होता है, बोरा जीन। बहुत कुछ पढ़ाना है यार, ऐसे रेगुलर क्लास चले तो मैं बहुत डिटेल। चलिए टाइप सा थोड़ा सा आपसे डेसिमल नंबर निकालना सीख गए, हम दे रहे हैं होमवर्क इसमें निकालने का। H2SO4 में सल्फर की, KMnO4 में मैगनीज की, Mn2O7 में मैगनीज की, FeCO3 में कार्बन की, Carbonate-2- में कार्बन की, Sulfate-2- में सल्फर की, C2O4-2- में कार्बन की। फिर सब मैं निकाल के हमको दिखाना है। आई निकाल लो, माइनस माइनस वाला सब बता दिए है ना, क्यों? यार चार धातु हैं, पीरियड टेबल तुम पढ़ चुके हो। चार धातु तो बाहरी कक्षा में कितना होता है? सब लिथियम हो, सोडियम हो, वन वाले हो गए। ऑक्सीजन मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है माइनस टू में। अच्छा, ये माइनस वन में तब होगा जब इसकी ग्रुप नंबर से ज़्यादा आएगी, तब हम परऑक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें मैंगनीज निकालना है, क्या दिक्कत है? प्लस वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू बराबर जीरो, खत्म कहानी होगी, है ना। एम एन का मैक्सिमम 7 होती है, क्योंकि 3D5 4S2 थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक बनने हो से थोड़ा कम आपको आने चाहिए। इसके बाहरी कोष में लेटा पीरियड टेबल पढ़ चुके हो, है ना। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्षार धातुओं को बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की बैलेंस चाहिए। क्षारीय मृदा धातुओं को जैसे कैल्शियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, सब पे प्लस टू चार्ज होता है, है ना। आप बताओ प्लस टू चार्ज वाले हो गए। उसके बाद जैसे आपको नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन पे 3- फॉस्फोरस पे 3-, इसकी फैमिली में 3- में एग्जिस्ट करता है। कार्बन पे आप जानते हो 4+ में एग्जिस्ट करता है, 4- में करता है। फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन फैमिली में सब पर -1 चार्ज होता है, है ना। और जब लेकिन ऑक्सीजन से फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, इनका +1 हो जाता है। तो आपको चार्ज पीरियड टेबल से मालूम होना चाहिए किस ग्रुप का है क्या। ग्रुप में परमाणु संरचना पढ़ चुके हो आप, बोरगरी का नियम पढ़ चुके हो, किसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका चार्ज होता है, समझ में, है ना। जितना लेने और देने का प्रयास, अगर देने के लिए है +1 चार्ज, देने के लिए है तो -1। कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको इन्हीं पे तो निकालना, इस पर क्या आएगा हमसे मतलब नहीं है। जैसे हम जानते हैं मैगनीज का 25 होता है, लास्ट में आर्गन एंड 3D4S लिख लिया करो। पहले 4S बढ़ता है, फिर 3D बढ़ता है, याद होगा एनर्जी लेवल। तो 18, 2, 20, 5, 25, ये देखो। अब ये जब इनकम्प्लीट होता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं, वही इसका ग्रुप होता है, 5, 2, 7। मैग्नीज 7वें ग्रुप का है, 7 से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर 7 से ज़्यादा आ गई तब हम परऑक्साइड बॉन्ड समझेंगे, अगर 7 तक आ रहे तो कोई जरूरत ही नहीं परऑक्साइड बॉन्ड है, है ना। सीधा कॉन्सेप्ट निकाल लें, बताओ +1 पोटेशियम का प्लस एक्स प्लस 4 × −2 = 0, एक्स माइनस 8 +1 = 0, एक्स इक्वल टू इधर गया +8, इधर गया -1, +7 आया ना। मैग्नीज के यहाँ पर क्या आ जाएगा? +7, है ना। ऐसे सल्फर के यहाँ देखो +6 आ जाएगा। ऐसे चार डायरेक्ट निकाल से 2 -8 और 2 हाइड्रोजन 2, इसका मतलब इस पर कितना आ जाएगा न्यूट्रल कर दे? +6, है ना। +6 + 2 + 8 - 8 कैंसिल, क्यों? और वो जो फार्मूला निकालना चाहो तो एक समान के निकाल लो, है ना। अब देखो जैसे ये इन पर है, अब यहाँ पे 2 इसी के निकालना है, तो ये हो गया 2x प्लस 4 गुणे आप कार्बन का ऑक्सीजन के -2 बराबर क्या लिखेंगे? -2, ये चार्ज लिख दिया, 2 है ना। अब बताओ 2x - 8 = -2, 2x = -2 + 8, बताओ जरा। +6 ना, +6 x = 6/2 =
प्लस थ्री चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया? ध्यान देना, फिर से देख लो, 2x इसका, 4 दूनी 8 इसका, बराबर माइनस 2 के ना, 2x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2, 2x इक्वल टू माइनस 2, इधर गया प्लस 8, ये कैंसिल हो करके प्लस 6 बचा, x इक्वल टू 6 बटे 2, 3 प्लस 1, ऐसे निकाल लो सर ने, क्यों? ये बराबर माइनस 2 कर दोगे, ये बराबर माइनस 2 कर दोगे, ना, यहाँ पे यस निकालना है, इसका निकालना, निकल जाएगा मेरे से, ऑक्सीडेशन नंबर इसका, है ना? हाँ, अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में स्ट्रक्चर ही बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने पे कमांड न हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो साइड बॉन्ड बनता है। अच्छा देखिए, अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे आप, तभी तो बनना समझेंगे, केमिकल बॉन्ड के टाइप। केमिकल बॉन्ड और मेनली कैटेगराइज अंडर फॉलोइंग टाइप। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वैद्युत संयोजी बंध। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड और हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, और इसके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवी सहसंयोजक बंध और ध्रुवी सहसंयोजक बंध। एक चीज के कोवैलेंट के दो टाइप हो गए ना। फिर होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन्हें कहते हैं हिंदी में उपसहसंयोजी बंध, और वे बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना। और इसी की कैटेगरी में आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में आते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो मुख्य रूप से कितने टाइप की बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तब फिर जब ये बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के कॉन्सेप्ट तब फिर है ना। अभी क्षार धातुओं के, क्षारी मृदा धातुओं के, किसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई परमाणु संरचना में पढ़ाया जाता है, आपको बोरवरी का नियम पढ़ाया है ना, उसको आपको जानना पड़ेगा। तो कितने टाइप बॉन्डिंग, ये पूरा लिख लिया, नोट कर लिया। सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अच्छा पहली बात तो आयनिक बंध की परिभाषा की बात करें तो आयनों में उपस्थित बंध को क्या कहते हैं? सीधी सी बात, आयनिक बंध। अब बात यह है आयन बनते कैसे हैं, आप ये बता दें आयन क्या होते हैं। आइदर चार्ज स्पीसीज, आइदर द एटम बियर्स नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ना, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणुओं को हम क्या कह सकते हैं? आयन। अच्छा धन है ऋण है तो प्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये बॉन्ड बनेंगे कैसे? अच्छा ये कब बॉन्ड बनेंगे? जब एक होगा प्रबल विद्युत धनी और दूसरा होगा प्रबल विद्युत ऋणी, आयन बनेंगे ना। आयनों में प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा है ना। यदि आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से बंध जाएंगे।
और इसी प्रबल आकर्षण बल से जो रिलेशनशिप बनेगा उसी को हम कौन सी बॉन्डिंग कहेंगे, आयरिंग बॉन्डिंग, है ना। अच्छा कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन होता है, एक प्रबल विद्युत धनी होना चाहिए, दूसरा प्रबल विद्युत ऋणी होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, जैसे मान लीजिए Na है और Cl है, जो इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं हैं इनमें अंतर 1.7 से ज्यादा होगा। विद्युत ऋणात्मकता मोल के स्केल पे मापी जाती है, उनमें वैल्यू जो दिया है 1.7 से अगर ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, है ना। और डेफिनेशन अगर लिखें आयनिक बॉन्ड, व्हाट आर आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब पूरी तरह इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों में, यानी एक 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 दाता होना चाहिए, दूसरा ग्राही होना चाहिए। देने वाले को विद्युत धनी और लेने वाले को विद्युत ऋणी कहेंगे ना। और क्या खास बात है, जैसे देखिए Na है और Cl है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इसका 287, बताइए इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, क्या करें, क्या यहाँ साझेदारी करें, नहीं, साझेदारी करेगा तो 2 रह जाएगा, बाहरी कोष में 2 हो जाएगा अनस्टेबल। ये क्या चाहेगा, हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम हो जाए नियान जैसे, किसके जैसे, किसके नजदीक है सोडियम, नियान के ना। तो क्या करेगा, लो तुमको एक जरूरत है और हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, हम स्टेबल होने के लिए तुमको अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग देते हैं, तुम ले लो हमारा, पूरी तरह से ले लो, तब हम जाके अस्थाई बनेंगे। और जो डोनर है, दाता है, देने वाले पे प्लस चार्ज और लेने वाले पे, और ये प्लस माइनस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यही कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा बताइए, क्योंकि आयन परस्पर बंध रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन्स, क्यों, दोनों आयनों में बहुत जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये मजबूरी का बॉन्ड नहीं है ना, एक पूरी तरह दे दिया है, दूसरे ने पूरी तरह ले लिया, इसीलिए कहा जाता है आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। तो आयनिक बॉन्ड प्रबल विद्युत आकर्षण, बताइए इसे वैद्युत संयोजी बंध क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिक में 2 पोल होते हैं प्लस और माइनस, उसी प्रकार आयनों में 2 पोल होते हैं, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ जाते हैं, इसीलिए दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, वैद्युत संयोजी बंध भी इन्हें कहा जाता है। अब खास बात मैं बता दूं, विद्युत में आपको ट्रिक बता दूं कि अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कहते हैं इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अब आप जानते हैं मैग्नीशियम के सेंट्रल एटम 282, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, डबल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये देखिए 2 क्लोरीन इसमें है, जुड़ना चाहते हैं, 7 इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या करे मैग्नीशियम, देगा या लेगा, अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, 282 है, मैग्नीशियम नियान जैसा बनना चाहेगा, 2 दे देगा ना, तो बताइए एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इस पर 2 दे दे रहा है, तो मैग्नीशियम पे डबल प्लस चार्ज और दोनों क्लोरीन पे क्या चार्ज, 1-1 माने दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बच जाएंगे, और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए, आयनिक बॉन्ड, क्या सर कैसा बॉन्ड होगा। हम आपको बता दें एक ट्रिकी अप्रोच, आयनिक बॉन्ड मैक्सिमम बनते हैं 2 फैमिली, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और इसके जस्ट बगल लगा है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्टांसियम, बेरियम, इनका कनेक्शन जब इधर से होता है, जैसे यहाँ है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखिए इनकी विद्युत धाराओं में जो अंतर है, नीचे जाने पर पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, कौन सा करेक्टर बढ़ता है, पॉजिटिव, इन दोनों परिवारों का कनेक्शन इनसे हो जाए, इस फैमिली के एलिमेंट से हो जाए, इस फैमिली के एलिमेंट से हो जाए, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं बताइए, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इस फैमिली का कनेक्शन इससे हो जाए, इस परिवार से हो जाए, इस परिवार से हो जाए, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं बताइए, आयनिक बॉन्ड। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर 1.7 से ज्यादा होता है। जैसे अगर हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाएगा, प्रबल विद्युत धनी, नीचे जाने विद्युत धनी करेक्टर बढ़ता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, सीजियम यहाँ का क्लोरीन कैसा है, Na3P में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक, अपने से जान लिए सोडियम, इधर फास्फोरस, क्यों, अच्छा CaS में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक, कैल्शियम का कनेक्शन सल्फर से है ना, इसके हर परिवार का Ca2 में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड है ना। अभी आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर, फजांस का नियम, फजांस आयनिक बॉन्ड में सम कोवेलेंट करेक्टर में डेवलप हो जाता है ना, साइज के काम ये बना लीजिए, इनके बिटवीन आयनिक बॉन्ड बनते हैं, बनाने। अब बदल आयनिक बॉन्ड ये बन गए, आयनिक बॉन्ड बहुत ही मजबूत टाइप के बॉन्ड होते हैं और आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो इनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ऊंचे होते हैं, क्यों ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल घनाकार स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नमक, नमक की संरचना देखिए इस तरह घनाकार क्यूबॉइडल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी क्लोरीन एक Na है, क्लोरीन है, इस तरह का ऐसे जालक संरचना में एग्जिस्ट करता है ना, इसके जालक में एक Na है, क्लोरीन है, एक Na है, क्लोरीन है, एक Na है, क्लोरीन है, अल्टरनेट ऐसे प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो बताइए इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बहुत ज्यादा जालक ऊर्जा की आवश्यकता, इनके जालक को तोड़ने के लिए, लैटिस को तोड़ने के लिए जितना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनका क्वथनांक और गलनांक, गलनांक और क्वथनांक का मान ऊंचा, आपको पता है नमक को आप यदि आग पर ले जाइए, धोखा वाला नमक ले लीजिए, गर्माइए, देखिए नहीं पिघलेगा आसानी से, 802 डिग्री बम कर जाएगा, चटक जाएगा वो, लेकिन वो मेल्ट नहीं करता आसानी से नमक, चाहे चम्मच में लेकर के गर्मा कर देख लीजिए आप उस पर, है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत, 802 डिग्री पर ले जाएंगे तापमान, इतना घर में पहुँचाना संभव है क्या, नहीं, तब नमक जाकर पिघलेगा आग से,
अब सोचिए आग वो ताकत नहीं है कि इसको आसानी से गला दे, लेकिन पानी में घोलते ही मान नमक पता नहीं चलता कहाँ गया है ना। तो क्या खास बात होती है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, पहली चीज़। और दूसरा चीज़, जो आयनिक यौगिक होते हैं ड्राई स्टेट में, ड्राई स्टेट मतलब बिल्कुल सूखा हो, बिल्कुल मॉइस्चर ना हो, ड्राई स्टेट में विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। नमक में आप करंट पास करिए एकदम सूखा रहेगा तो करंट नहीं बताएगा, है ना, क्यों, क्योंकि उनके आयन फ्री नहीं होते, बताइए प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हुए, ये कहीं हिल डुल नहीं सकते, जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्शन ऑफ आयन, जब आयन का सिरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह होने लगता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आयनों से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वाटर क्या करता है, क्यों नमक को घोल लेता है, क्योंकि ऐसा आपको आपको पता है कि जल सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, है ना। जल एक ध्रुवीय विलायक है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये आयनिक कंपाउंड की लैटिस है, सपोज दैट यानी एक प्लस है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी कंपाउंड की लैटिस है ये, यानी ये प्लस वाला यानी है ये Cl। जब पानी में इसे डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, पानी क्या करता है, ऐसे इसको चारों ओर से ऐसे इसकी लैटिस को इस तरह से ऐसे कवर करने लगता है, चारों ओर जाता है। जो सिरा किनारे होता है उसका अपोजिट सिरा पानी का, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी ये समझ लीजिए H प्लस है और ये सिरा OH पोलर सॉल्वेंट है ना। जो ध्रुवी हो जाते हैं H और OH, ये ज्यादा रेडी होता है, साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा रहता है, ये सिरा माइनस और ये सिरा प्लस, देखिए पोलर हो गया, दो पोल प्लस और माइनस टूट गया, तो पोलर सॉल्वेंट होता है। अब बताइए, जैसे प्लस है वाटर का, माइनस आया प्लस, इधर माइनस प्लस, यहाँ प्लस है माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस, तो क्या करता है, वाटर इसकी लैटिस को खींचने लगता है। अब देखिए आप, ये प्लस है, ये माइनस है, अपनी ओर आकर्षण बल से इसको क्या करने लगा, खींचने लगा, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी धीरे 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 क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है बताइए, इनका लैटिस ब्रेक हो जाता है, इनका बॉन्ड रगड़ रगड़ के बॉन्डिंग की धीरे धीरे जैसे रस्सी टूट जाए, है ना। जल क्या करता है, पोलर होने के कारण इसके आयनों को अपनी ओर प्रबल आकर्षण बल से खींचने लगता है और ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर। देखिए कितनी भी बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी सड़क बना लीजिए, पानी ताकत होती है, लगातार बारिश हो जाए सड़क फट जाती है, इसका मतलब पानी क्या करता है, उसके बॉन्डिंग को कमजोर कर देता है ना। तो इसीलिए जब ये आयन फ्री हो जाती है, बॉन्ड इसका सब टूट जाता है, जो भी सिरा है उसका अपोजिट सिरा पानी का आकर उसको खींचने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये फ्री सोलूशन में प्लस माइनस, माइनस प्लस, दूर दूर तक ऐसे तैरने लगते हैं, आयन आयन में बदल जाते हैं ना। और जब आयन के रूप में अलग अलग इनका बॉन्डिंग टूट गया, फ्री मूवमेंट होने लगता है, ये सोलूशन में ऐसे ऐसे क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। सोचिए कभी कभी अर्थिंग देने के लिए पहले गांव में सुना होगा नमक डालते थे, है ना, किस लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ जाए। इसका मतलब आयनों की चालकता के कारण ही वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर आयन के फॉर्म में नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव फ्री मूवमेंट नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो आयनिक यौगिक क्या खास बात है, एक तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि ये लैटिस एनर्जी बहुत प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं जिसके बॉन्ड को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता, राइट। ये शुष्क अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि शुष्क अवस्था में ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, इनका लैटिस ब्रेक नहीं होता। और जैसे ही पानी में घोले जाते हैं, पानी ध्रुवीय विलायक होने के कारण इनके बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और फ्री आयन मिल जाते हैं पानी में। आज फ्री होने के कारण आयन मूव करने लगते हैं सोलूशन में, इसीलिए इनके जली विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, हमने आपको कंडीशन बता दी, प्रबल विद्युत धनी का दो परिवार, लिथियम इथियम ये वाले परिवार, क्षार धातु थायरी मृदा धातु, फिर इधर से कनेक्शन करते हैं हैलोजनों के साथ,
ऑक्सीजन साथ सल्फर साथ नाइट्रोजन साथ फास्फोरस के साथ इनके बीच जो बॉन्डिंग बनती है, कैसे बॉन्डिंग बनती है, हानि। और कह दें सबसे प्रबल कब बनेगा? अच्छा जैसे कह दें सीजियम फ्लोराइड ले लीजिए, सीजियम क्लोराइड ले लीजिए और NaCl ले लीजिए, कहते सबसे स्ट्रांग आयनिक बॉन्डिंग किसमें है? अब देखिए सब में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन कहते सबसे प्रबलतम आयनिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? यस, सबसे प्रबल विद्युत धनी, सबसे प्रबल विद्युत धनी पूरी आवर्तसारणी का सबसे प्रबल विद्युत धनी कौन है? फ्लोरीन। और सबसे प्रबल विद्युत धनी कौन है? सीजियम। नीचे का है बिल्कुल ना, नीचे है तो प्रबल विद्युत धनी क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन आसानी नाभिक से दूर होने के कारण हमने बताया था एनसी बताया था ना, निकल के बाहर हो जाता है ना, तो प्रबल विद्युत धनी हो जाते हैं। तो इस तरह आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हमने कर ली और इन सब की बात किया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, फिर से लेक्चर लगेगा, मे बी शायद कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। इनके जरा कौन सी बुक लिए हो? कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये लेक्चर कल चलेगा। आज आयनिक बॉन्ड तक पहुंच गए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया ना, ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी में क्या अंतर होता है ये जान लिया, बैलेंसी जान लिया कि हमेशा धनात्मक होती है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। हमने ये जाना कि ऑक्सीजन पे तीन टाइप का चार्ज होता है, माइनस टू में ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, माइनस वन बाई टू सुपर ऑक्साइड, माइनस वन पर ऑक्साइड, है ना, सब लिखा है ना, नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ भैया, हर जय राम।